नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज पोर्टल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह डागुर। अभी हम हैं फलवाड़ा गांव में। यहां एक भूमि पूजन किया जा रहा है जाट छात्रावास के लिए, जो जमीन दी है अजीत जी ने, अजीत सोलंकी जी ने। और आपको मैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। इसमें जाट समाज के लोग जो पधारे हैं बाहर से 84 गाँव में से, और अभी भूमि पूजन का जो कार्यक्रम चल रहा है। हमारे ये गोदारा जी हैं, अध्यक्ष हैं 11 ब्रांच। जिन्होंने ज़मीन डोनेट किए, इस ज़मीन की कीमत कम से कम 30 लाख रखी है। 30 लाख रुपए के जो डोनर हैं, और भमा साहब भी कह सकते हैं इन्हें, ये हमारे सामने जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये सोलंकी जी की है। कहाँ आपको कैसा लग रहा है सर, जो समाज के लिए आपने जाट छात्रावास के लिए जो ज़मीन दी है, इसमें आपका क्या कहना है? हमारे हर्ष उल्लास के साथ हमने ये ज़मीन दी। बिल्कुल, हमें किसी को कोई का दबाव नहीं है, हमने हमारी मर्जी से ही ज़मीन। बिल्कुल, कैसा लग रहा है आपको, क्या महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है, बहुत खुशी का माहौल है। हमारे हाथों से ये जमीन डोनेट हुई। अच्छा, कितने भाई हैं आप सर? हम भाई 7 भाई हैं, हम 3 भाइयों ने ये जमीन डोनेट की। अच्छा, कितना ईयर जमीन है ये साहब? 6.5 ईयर जमीन। 6.5 ईयर, जरूरत पड़ी तो 2-4 ईयर और भी दे सकते हैं आप। बिल्कुल, इतने बड़े दानी दाता हैं, आप देख सकते हो तस्वीर में 7 भाई हैं। 7 भाई में से 3 भाइयों का बहुत बड़ा दिल मानता हूँ मैं, जो देख रहे हो आप, और एकदम चेहरे पे एक मुस्कुराहट। और ये चुनाव भी लड़े थे, और ये दूसरे नंबर पे चुनाव में रहे थे, किसी कारण 10-20-30 वोटों से हार भी गए ये। और ऐसे लोग समाज में, हर समाज में होने चाहिए। और आप जो ज़मीन देख रहे हैं, इस ज़मीन में एक जाट छात्रावास बनेगा। अभी तो थोड़ा सा पानी भरा है, पर इसकी 4 दीवारी के लिए कई लाख डोनेट पैसा भी हुआ है समाज के जरिए। कम से कम 2.5-3 लाख रुपए तो पैसा आ गया है इनके, जो समाज के लोग होते हैं जाट समाज में, जो पंच पटेल जो लोग हैं, उन्होंने पैसा दिया है। किसी ने 51,000, कोई ने 21,000, कोई 11,000, और आज कम से कम 30 लाख रुपए के अनाउंसमेंट होगा। इधर जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप सामने, जो टेंट लगा हुआ है, इस टेंट में जितने भी बड़े बड़े जाट समाज सरदारी के लोग जो आए हैं, इसमें कई सरपंच भी हैं, जैसे भूदेव डागुर जी हैं अपने हमारे, शास्त्री जी आप ही आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ा सा हमारे सामने, आपका ही वर्जन लेते हैं हम। जैसे जाट छात्रावास के लिए जो आज भूमि पूजन का जो कार्यक्रम रखा है, इसमें आपका क्या सहयोग रहेगा और क्या वो रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार रूप से बताएं आप। देखिए, पहली बात तो धन्यवाद हम देते हैं 11 ब्रांच के समस्त कार्यकारिणी को, जिन्होंने ये प्रयास किया कि जाट